हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एसके पांडे, इंग्लिश फैकल्टी चंद्रा आईएएस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नाउन से रिलेटेड करेक्शन जो होते हैं वो बताएंगे। नाउन से रिलेटेड करेक्शन टेट, सुपर टेट, एसएससी, बैंकिंग, सीजीएल आदि परीक्षाओं में आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रूल नंबर 1, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर लिखे जाते हैं, उसमें एस नहीं लगाया जाता है, उनको कभी प्लूरल बनाया ही नहीं जा सकता है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, सम नाउन्स आर always written in singular. तो वो कौन 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 से नाउन हैं जिनको हम सिर्फ सिंगुलर में लिख सकते हैं, तो लिखते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। जैसे कि फर्नीचर, पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, क्रॉकरी, इत्यादि। ये सारे नाउन हैं जिनको हमेशा हम सिंगुलर में ही लगेंगे लिखेंगे, और सिंगुलर ही उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी। दूसरे एक और है एक लिस्ट, जैसे कि पोस्टेज, ड्रेनेज, इन्फॉर्मेशन, न्यूज, एटसेट्रा। तो देख लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं इनके कि कैसे ये हम करेंगे। नंबर 1, देखो कहाँ तक आ रहा, नीचे अच्छा। नंबर 1, जैसे फर्नीचर लेते हैं, एग्जाम में अगर लिखा हुआ है कि दीज फर्नीचर्स आर ब्रोकन, ये सेंटेंस रॉन्ग है। रॉन्ग किस लिए है? एक तो फर्नीचर को प्लूरल नहीं लिखा जा सकता, जब इसको प्लूरल नहीं लिखा जा सकता तो इसके पहले ये पसेसिव प्रोनाउन कहलाता है, ये भी प्लूरल है, तो इसको भी प्लूरल नहीं लिख सकते। दूसरी बात, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लग गई है, तो जब ये फर्नीचर वर्ड प्लूरल नहीं हो सकता तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल नहीं होगी। कैसे करेक्ट करेंगे? किसी भी सिंगुलर नाउन के पहले पसेसिव प्रोनाउन सिंगुलर ही होता है, यानी दीज की बजाय हो जाएगा दिस। एक करेक्शन आपने किया। दूसरा, फर्नीचर नहीं हो सकता, फर्नीचर्स नहीं हो सकता, फर्नीचर होगा, दूसरा करेक्शन। तीसरा, जब ये सिंगुलर हो गया तो फिर इज लगेगा, अब ये सेंटेंस सही हो गया, ब्रोकन। दूसरी बात, अगर एक से अधिक फर्नीचर हैं, हमें अलग अलग उन पीस को हमें बताना हो तो क्या करेंगे? उसके लिए एक सुविधा है कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, अ पीस ऑफ, फर्नीचर
is broken. या फिर आ के बजाय एक के बजाय टू है, थ्री है, फोर है, टू थ्री फोर की गिनती है कि दो पीसेस टूटे हैं, तीन पीसेस टूटे हैं, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं टू पीसेस ऑफ फर्नीचर आर ब्रोकन। अब इस बात को हम समझ लेते हैं। जब हमने दो की गिनती आई तो पीस को सिर्फ प्लूरल किया हमने, फर्नीचर अभी भी सिंगुलर है, फर्नीचर को हमने प्लूरल नहीं किया। तो टू, टू की संख्या आई तो पीस में एस लगा दिया, इसको प्लूरल कर लिया, टू पीसेस ऑफ फर्नीचर। अब वहां पर आर लग सकता है, क्यों लग सकता है कि जब भी कोई सब्जेक्ट अगर ऑफ से जुड़ा हुआ है तो ऑफ के पहले वाला असली सब्जेक्ट होता है, यानी ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो इसके अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब आ लगेगा। एग्जाम में अगर यहाँ पर फर्नीचर के साथ इज लिखा हुआ है तो ये रॉन्ग है, आर होगा उसके साथ में। क्यों आर होगा, क्योंकि अब ये आर फॉलो हो रहा है पीसेस का। ये तो एक एग्जाम्पल पूरा हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, करना पड़ेगा कैमरा को, हो रहा दिख रहा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, नंबर टू। कीट्स पोएट्रीज आर इंटरेस्टिंग, दिख रहा नहीं दिख रहा, इंटरेस्टिंग। अब ये रॉन्ग है, पोएट्रीज कभी नहीं हो सकता और आर भी नहीं लगेगा, तो क्या हो सकता है, कीट्स पोएट्री इज इंटरेस्टिंग। या फिर इसकी जगह पर आप कह सकते हैं द पोएम्स ऑफ कीट, ये कीट्स नाम है, एस लगा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, ये प्लूरल नहीं बनाया गया है, कीट्स आर इंटरेस्टिंग। मैंने दो एग्जाम्पल दिए, एक तो कीट्स, ये पोएट का नाम है, पोएट्रीज नहीं हो सकता, हमेशा कीट्स पोएट्री होगा, जब पोएट्रीज नहीं हो सकता तो आर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर पोएट्री के साथ इज लगेगा, ये बात सीखी। दूसरी बात ये है कि पोएट्री की जगह अगर किड्स की पोएम की बात करें तो वो सिंगुलर प्लूरल हो सकती है, द पोएम्स ऑफ किड्स। अब ये आर लग सकता है क्योंकि सब्जेक्ट किड नहीं है, ये पोएम्स है, सब्जेक्ट ये और ये प्लूरल है, इसके अनुसार ये लग गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, नंबर थ्री। दीज न्यूज आर रॉन्ग, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, एक तो ये न्यूज कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, अगर यहां पर न्यूजेस लिखा हुआ है तब भी रॉन्ग है, तो क्या होना चाहिए, ये न्यूज होना चाहिए। जब ये न्यूज सिंगुलर होगा तो इसके साथ पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो होगा दिस, दीज नहीं होगा,
और इसके साथ फिर हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी इज। अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इसमें दीज गलत था, न्यूजेस गलत था और आर गलत था। तीनों ही रॉन्ग हो सकते हैं या तीनों में से कोई एक रॉन्ग दे दे। अब नंबर एक और लेते हैं। योर इंफॉर्मेशंस आर रॉन्ग। तो इंफॉर्मेशंस नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन होगा। और इज होगा। इसमें और एक वर्ड ऐड करते हैं, एडवाइस। अब हम आपको रूल नंबर टू बताएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि सम नाउन्स ओनली लुक प्लूरल बट दे आर सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। जैसे ये रूल कह रहा है कि कुछ नाउन सिर्फ दिख रहे हैं प्लूरल हैं, क्योंकि उसमें एस लगा हुआ है सारे, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये एक सब्जेक्ट का नाम। जैसे कुछ सब्जेक्ट के नाम हैं जो एस से एंड होते हैं, कुछ गेम्स के नाम हैं जो एस से एंड होते हैं, कुछ बीमारियों के नाम हैं जो एंड से एस से एंड होते हैं, और कुछ दूसरे नाम भी हैं। गेम्स सब्जेक्ट के नाम में मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, जिम्नास्टिक है, लिंगास्टिक है, बहुत सारे नाम हैं। गेम्स में भी बिलियर्ड्स है, डार्ट्स है, टेनिस है, चेस है, और सारे गेम हैं। डिजीज की बात करें तो इसमें मम्स है, रिकेट्स है, एड्स है, मिजल्स है, ये बीमारियों के नाम हैं जो एस से एंड होते हैं, पर ये एक बीमारी का नाम है, ये प्लूरल नहीं है, इसके ये सिंगुलर है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगती है। कुछ दूसरे अदर हैं जिसमें गैलोस, गैलोस कहते हैं फांसी की टिकटी, जिस पर जिसको फांसी दी जाती है, जिस पटरों पे खड़ा होता है उसे कहते हैं गैलोस। इनिंग्स माने पारी, एक पारी होगी तब भी इनिंग्स कहेंगे, और चार पारियां किसी टीम ने खेली हैं तब भी इनिंग्स ही कहेंगे। तो देख लेते हैं एग्जांपल इसके कैसे होंगे। नंबर वन, मैथमेटिक्स आर माई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो यहां मैथमेटिक्स ये प्लूरल वर्ड नहीं है, सिंगुलर वर्ड है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगेगी जैसे कि इज। ये करेक्ट हो गया। दूसरा देखते हैं नंबर टू पे, बिलियर्ड्स आर माई फेवरेट, एफ ए वी ओ यू आर आई टी सब गेम। तो बिलियर्ड्स ये कोई प्लूरल वर्ड नहीं है, ये सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगेगी। इसी तरह और सारे भी हैं। अभी आपने समझा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर लिखे भी जाते हैं और वर्ब भी सिंगुलर लगती है, जैसे कि आपने पढ़ा फर्नीचर, स्टेशनरी, मशीनरी, पोएट्री इत्यादि। दूसरे रूल में आपने पढ़ा कि कुछ नाउन सिर्फ दिखते हैं प्लूरल, जैसे कोई सब्जेक्ट का नाम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स
या गेम का नाम कोई बिलियर्ड्स, डॉट्स या चेस, ये एस लगे हुए दिखते प्लूरल हैं, लेकिन ये एक सब्जेक्ट, एक गेम, एक डिजीज का नाम है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 3 पर कि कुछ नाउन जो होते हैं हमेशा प्लूरल ही लिखे जाते हैं, भले ही वो एक वस्तु का नाम हो या एक किसी ड्रेस का नाम हो। लेकिन अगर उसमें दो पार्ट्स हैं, किसी भी नाउन में एक वस्तु का नाम है लेकिन उसके पार्ट दो हैं, तो हमेशा प्लूरल लिखा भी जाएगा और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगेगी। जैसे उसमें से कुछ ड्रेस के नाम है ट्राउजर्स, ट्राउजर्स माने पैजामा, पैजामा की दो टांगे होती हैं, पैंट्स, ब्रीचेस, बरमूडास, ये हाफ पैंट होती है, और पैजामास, ये वो ड्रेस के नाम हैं जिनके दो पार्ट होते हैं, वस्तु एक है लेकिन पार्ट दो हैं, तो हमेशा ये प्लूरल ही लिखे जाएंगे, और खास बात है इनके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगी। इसी तरह शूज हैं, कोई एक जूता नहीं पहनता, दोनों पहनते इसलिए शूज, सॉक्स भी कोई एक मोजा नहीं पहनता, दोनों पहनते इसलिए सॉक्स, ग्लव्स, दस्ताने और स्लीपर्स। कुछ वस्तुओं इंस्ट्रूमेंट के नाम हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स, चश्मा लगाने वाला, दो पार्ट होते हैं, सीजर्स, कैंची के भी दो पार्ट होते हैं, टंग्स, चिमटा के भी दो पार्ट होते हैं, पिंसर्स, सरसी जो होती है चूल्हे से उतारने वाली, जो उसे कहते हैं पिंसर्स, स्केल्स, तराजू, इसके भी दो पार्ट होते हैं। ये सारे के सारे शब्द हमेशा प्लूरल ही लिखे जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगेगी। इनमें क्या है कि कुछ ड्रेस के नाम है, ये भी ड्रेस के नाम है, और कुछ वस्तुओं के नाम है जिनके दो पार्ट होती हैं, दो टांगे होती हैं, हमेशा प्लूरल लिखे जाएंगे और वर्ब भी प्लूरल लगेगी। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे पहले किसी ड्रेस का लेते हैं, हिज ट्राउजर, पैजामा एक है, कोई सोचे कि सिर्फ ट्राउजर्स ना लिखे, ट्राउजर लिखे तो गलत है, और फिर वर्ब भी इज लगी है वो भी गलत है। कभी भी ट्राउजर नहीं होगा, ट्राउजर्स होगा, यानी ये बात सही हो गई, पैजामा एक है पर उसकी पार्ट दो हैं, दो टांगे होती हैं उसकी, इसलिए उसे प्लूरल लिखा भी जाएगा और वर्ब भी प्लूरल लिखा जाएगा, तब ये सही हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, ही हैज परचेज्ड अ शूज। अब एक जूते का खरीदने का क्या तुक है, एक से अधिक खरीदा जाएगा, दो कम से कम पहनता है कोई व्यक्ति, दो टांगे होती हैं, तो इसलिए शूज होना चाहिए। तो दूसरे सेंटेंस में हमने लिख दिया ही हैज परचेज्ड अ शूज, फिर भी ये रॉन्ग हो गया, प्लूरल लिखने पर भी रॉन्ग है, दिख रहा। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि वर्ड तो प्लूरल लिख लिया हमने, लेकिन प्लूरल के पहले कोई आ का प्रयोग नहीं होता, आ का प्रयोग एक सिंगुलर के लिए होता है। तो क्या करें, कैसे सही होगा, फिर इसके लिए हमें कहना पड़ेगा अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ा आपने जूता खरीदा है, एक जोड़े में दो होते हैं, तो पेयर वर्ड का मतलब होता है दो पीस, उसके पहले एक पेयर, तो अब पेयर आप सूज कहोगे, सूज में एस लगेगा। अगर दो जोड़ा जूती खरीदे हैं तो आपने कहोगे टू पेयर्स, तो पेयर में एस लग जाएगा और सूज में तो लगेगा ही, तो अब पेयर्स में भी एस लगेगा और सूज में भी एस लगेगा। इस तरीके से ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, स्पेक्टिकल्स, ही हैज लॉस्ट, माने खो दिया हिज स्पेक्टिकल।
उसने अपना चश्मा खो दिया। चश्मा खो दिया का मतलब चश्मे के दोनों पार्ट खो दिए हैं, एक पार्ट नहीं खोया। तो स्पेक्टिकल नहीं होगा, स्पेक्टिकल्स होगा। इस प्रकार ये सेंटेंस सही हो गया। अब हम आपको चौथा रूल बताएंगे जिसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं। अभी आपने पढ़ा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिखे जाएंगे सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। फिर आपने पढ़ा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्लूरल लिखे भी जाते हैं वर्ब भी प्लूरल लिखते हैं। अब हम आपको कुछ शब्द ऐसे बताने जा रहे हैं जो सिंगुलर भी लिखे जा सकते हैं और प्लूरल भी लिखे जा सकते हैं। तो यही ये रूल यही कह रहा है कि सम नाउन्स मे बी रिटेन इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल एंड टेक सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब। जब कोई नाउन सिंगुलर लिखा जाएगा तो सिंगुलर वर्ब लिखेगी, और यही वाला जब नाउन प्लूरल लिखा जाएगा तो प्लूरल वर्ब लगेगी। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर एक क्लास चल रही है तो हम कहेंगे आ क्लास इज रनिंग। क्लास भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी। लेकिन एक से अधिक क्लास, 2, 3, 4, 5 क्लास चल रही है, कोई भी संख्या यहाँ पर हो सकती है, 2 है 5 है, अगर 5 क्लास चल रही है तब भी होगा, क्लासेस और आर हो जाएगा। तो जब एक से अधिक चीजें हो जाएंगी तो वो प्लूरल लिखी जाएंगी और प्लूरल वर्ब लगेगा। जब एक चीज होगी तो क्लास सिंगुलर लिखा जाएगा और सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो इस हिसाब से ये दोनों सेंटेंस सही हैं। जब सिंगुलर वर्ब सब नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब, जब प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब। प्लूरल नाउन हमें कब लिखनी है कैसे पता चलेगा, उसके पहले एक से अधिक 2, 3, 4, 5 की संख्या हो तो। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, सीप की बात करते हैं। सीप हमेशा अगर कोई गिनती नहीं है, कोई एडजेक्टिव नहीं, 1, 2, 3, 4 की गिनती नहीं है तो उसको सीप्स नहीं लिख सकते, रॉन्ग है। ये सीप्स क्या है, ये रॉन्ग है। ये होगा सीप, ये सही होगा, आर लगेगा। लेकिन अगर गिनती है वंस है तब तो सीप हो गई, वन के साथ तो सिंगुलर लिखा ही जाता है और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। अगर सीप के पहले 2, 3, 4, 5 की गिनती है तब ये प्लूरल लिखा जाएगा, सीप्स हो जाएगा और प्लूरल लिखा जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगेगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हेयर की बात कर लेते हैं। जब हेयर पूरी ग्रुप की बात होगी तो हेयर वर्ड सिंगुलर लिखा भी जाएगा और वर्ब भी सिंगुलर लगती है, यानी हेयर्स नहीं हो सकता, हेयर होगा, क्योंकि इसके पहले कोई 1, 2, 3, 4 की गिनती नहीं है। तो हेयर्स नहीं हो सकता हेयर, और आर नहीं हो सकता इज। अगर कहा जाए कि उसके बाल सफेद हैं तो उसके बाल का मतलब पूरे समूह सफेद हैं। तो जब पूरे ग्रुप एक में उसको माना जा रहा है तो सिंगुलर लिखा जाता है और वर्ब भी सिंगुलर ही लगती है उसके साथ। लेकिन 1, 2, 3 की गिनती हो जाएगी तो क्या होगा, जब एक की गिनती होगी हिज वन हेयर, तो जब एक होगा तो सिंगुलर लिखा जाएगा और वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। और अगर जब एक से अधिक हो जाएगा 2, 3, 4 हो जाएगा तो फिर इसके बाद नाउन भी ये प्लूरल लिखा जाएगा और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लिखा जाएगा। तो मैं होप करता हूं कि आप लोगों को कुछ करेक्शन समझ में आया होगा। समय कैसा भी चल रहा हो आपका, कैसा भी कोरोना है चल रहा है, तो आप पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी आ सकती है। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई निरंतर करते रहिए। जय हिंद।